हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज से। इसके अंदर एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। परसेंट की जगह लिख सकते हैं 1/100, तो उससे निकल के आपका ये फॉर्मूला जाएगा। प्लस के अंदर आप एक फॉर्मूला और ध्यान रखेंगे कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन प्लस ब्याज। नंबर टू, आपको करना क्या क्या है इसके अंदर। एक तो आपको फ्रैक्शन आने चाहिए परसेंटेज वाले पार्ट के अंदर, जैसे 1/2 इज इक्वल्स टू 50%, 1/6 इज इक्वल्स टू 16, 2/3%। उसके बाद आपके पास जो कोई भी बुक हो उससे आप कुछ बेसिक वो क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, चाहे उसके कोई मेथड हो, कैसे भी हो वो, आप वो जरूर करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, कि जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल वाले क्वेश्चंस ही करें। इसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने बहुत जरूरी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है एग्जाम्स के अंदर और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये नहीं कि आपने कोई बुक उठाई कैट लेवल की कि ठीक है भाई मैथ्स इसके अंदर है तो इसमें भी मैथ्स है, करने बैठ गए डिमोरलाइज हो गए, और चीजों को इतना इजी भी ना ले कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडी लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हैं। सीजीएल को सीजीएल की तरह लोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज ये चीज थोड़ी टफ रहेगी। हर एग्जाम के लिए ऐसा ही है, कोई स्पेसिफिक सीजीएल के लिए नहीं है ऐसा। हम डील कैसे करें क्वेश्चंस को, मैंने कहा था कि पी इज इक्वल टू हम लोग मानेंगे हमेशा 100%। सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलता है, जैसे 3 साल के लिए निकालना है 1, 2, 3, 10% अगर अपनी रेट है तो फर्स्ट ईयर इसका 10% मिला, सेकेंड ईयर फिर इसका 10% मिला, थर्ड ईयर इसका फिर 10% मिला। सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे हम लोग कि 10% मिल रहा है ईच ईयर, तो क्या कर सकते हैं 3 ईयर्स के अंदर वो क्या हो जाएगा 10 × 3 = 30%। जहां तक हो सके कोशिश करें कि कैलकुलेशन है वो आप अपने दिमाग के अंदर ही करें, लिख लिख के ना करें। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 5 साल में मूलधन दुगना हो जाता है, दर कितनी है। तो देखो ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही रखना आपको, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब देखो 5 साल वो बाद में डील करेंगे, मूलधन है वो डबल हो जाता है, ये 100% मानते हैं, ये इसने क्या कहा डबल, तो ये हो गया 200%। अब देखो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 100% 200%, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 100%। ये काम 5 साल के अंदर हुआ है, मतलब हर साल कुछ स्पेसिफिक बढ़ रहा था एक सेम रेट से और ये 100% हुआ, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी जो रेट है वो आ जाएगी, तो अपनी रेट हो गई यहां से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं कि 5 साल में मूलधन खुद का 5/4 हो जाता है, तो देखो ये 100%, इसका 5/4 times करके देखें, 20 से डिवाइड हो गया, 4/5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हुआ 120%। इक्वेशन बैलेंस की तो एसआई की वैल्यू आ गई 20%। अब इसने क्या कहा था अपने को कि ये काम जो हुआ है वो हुआ है 5 साल के अंदर, तो पर ईयर रेट होती है अपनी, तो निकालेंगे तो ये आ गई आपकी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 साल में धन दुगुना हो जाता है, कितने साल में ये 4 गुना होगा। 100% 7 गुना इसका लिया मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया 700%। डबल ले रहा है ये अपने पास 7 है, डबल हुआ 200%, तो यहां से 100% बढ़ा कितने साल में 7 ईयर में। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है ये आपको कि कितने साल में 4 गुना होगा, प्रिंसिपल आपका 100%, अमाउंट आपका 4 गुना 400%, ये कितना आया इसको ऐसा ही 300%, 100% बढ़ा 7 ईयर में, इसका 3 times है ये, तो इसको कितने ईयर लगेंगे 7 × 3 = 21 ईयर। दूसरा इसको रेशियो से डायरेक्ट भी कर सकते थे आप करना चाहते हैं तो, कि देखो 1 से 2 हो रहा है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्लस 1 आपको क्या मिला एसआई, कितने साल में
3, 7 ईयर। नेक्स्ट केस में 1 से जाना है आपको 4 के अंदर, आपको प्लस 3 करना है एस आई। 1 इंक्रीज होता है 7 ईयर में, इसका 3 टाइम्स है तो ये टाइम भी कितना ले लेगा 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सॉरी कि 5 साल के अंदर मनी है वो खुद की 7/4 हो जाती है, कितने साल में ये खुद का 11/5 होगा। देखो ये 100% लिया, 5 साल में हो रहा है खुद का 7/4, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 175%। तो यहां से ये कितना बड़ा आपका 75% ऐसा ही आ गया। ये काम हुआ अपना 5 साल में, रेट होती है वो पर ईयर होती है, तो रेट अपनी निकली यहां से 15%। नेक्स्ट केस देखो कि प्रिंसिपल आपका 100% कितना गया, ये 11/5, फिर डिवीजन करते हैं तो ये यहां से आ गया आपका 220%। इक्वेशन को फिर बैलेंस करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ऐसा है कि 120%। हर साल 15% इंक्रीज हो रहा है, कितने सालों के अंदर ये 120% हो जाएगा, तो डिवीजन करेंगे तो ये आ गया हमारा 8 ईयर। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 साल का एसआई है वो मूलधन का दुगुना है। देखो ये 100%, इसका डबल एसआई अपने को दे रखा है, ये 200% हो गया, रेट निकालनी है। तो देखो इधर अमाउंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, अपने को तो परसेंट में वैल्यू आ गई, ये 10 साल में हुई है 200%, तो पर ईयर कितनी हो गई आपकी 20%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 4 साल का जो एसआई है वो अमाउंट का 4/5 टाइम्स है, रेट परसेंट निकालनी है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इस बार इसने क्या किया एसआई और उसके अंदर अमाउंट के अंदर रिलेशन दे दिया। तो यहां मानते हैं हम लोग कि एसआई इज इक्वल्स टू है वो 4/5 टाइम्स ऑफ अमाउंट, रेशियो आया एसआई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन 5 आ गया। देखो इसको 100% रखना है, मतलब रखना ही है, एसआई 4 लिखा इसको 5 लिखा, तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल 1 लिखना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 100%। इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको भी करना पड़ेगा, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको भी करना पड़ेगा। ये चीज आ गई अपने पास 400% इंक्रीज हुआ, कितने साल में 4 साल में, रेट कितनी हो गई आपकी 100% पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 5% रेट से कितने साल में जो मनी है वो डबल हो जाएगी, ये आपका प्रिंसिपल, इसको करना है आपको 2 टाइम्स, अमाउंट आपका 200%। तो यहां से इक्वेशन बैलेंस हुई तो आपका ऐसा ही आ गया 100%। अब देखो 5% रेट से 100% बनाना है तो इसका करेंगे हम लोग डिवीजन, तो अपने पास आ गया 20 ईयर, हर साल 20%, हर साल 5%, तो 20 साल में 20 × 5 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि 4% रेट से 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपए है, मूलधन ज्ञात करो, रेट है 4%, एसआई 2 ईयर का है वो 160 रुपीज, फाइंड पी। देखो फर्स्ट ईयर 4% मिला, सेकेंड ईयर 4% मिला, तो 2 साल में इसको क्या मिला 8%। इसने क्या कहा था 8% इज इक्वल टू 160 रुपीज, पी हमेशा क्या रहेगा 100%। 1% की वैल्यू निकाली हमने तो आ गई हमारे पास 20, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगी 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% रेट से, कुछ भाग 8% रेट से लैंड पर दिया जाता है, एवरेज जो आपकी रेट है वो है 9.2%। तो पूछ रहा है कि 10% रेट पर उसने कितना उधार दिया, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा का जैसा हम लोग मिक्सर के अंदर डील करते थे। उसके अंदर होता क्या था, आपकी T1 होती थी उसकी कोई रेट थी, T2 होती थी उसकी कोई रेट थी,
आपका मिक्सर होता था उसकी कोई रेट होती थी, या फिर एक आपके पास और क्वेश्चन होता था पॉपुलेशन लिटरेसी का, उसके अंदर क्या होता था आपकी मेल लिटरेसी, आपकी फीमेल लिटरेसी और टोटल पॉपुलेशन की लिटरेसी। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही फंडा काम कर रहा है कि यहाँ पर एक रेट है वो 10% है, एक रेट है 8% है, और जो अपनी मिक्सर की रेट है वो 9.2% है। तो इसको डील करने का वही तरीका हम यूज कर सकते हैं जैसा हम लोग मिक्सर के अंदर यूज करते हैं। ये फर्स्ट अमाउंट, ये सेकेंड अमाउंट, दोनों मिलके आपका कितना मिल रहा है, बन रहा है 10,000 रुपीज। इसकी रेट 10%, इसकी 8%, एवरेज रेट 9.2%। ये एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच रहता है, जो बड़ा उससे छोटे को घटा लेंगे क्रॉस के अंदर। ये आ गया आपके पास 1.2%, ये आ गया आपके पास 0.8%। परसेंट से कैंसिल आउट, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट, 4 से डिवीजन हुआ तो 3 और 2, तो इसका मतलब 3:2 में डिवीजन होगा। दोनों का एडिशन करते हैं, एडिशन क्या आ गया 5। बट अब देखो कंपैरिजन करेंगे, एक को 3 रुपए मिलते हैं, एक को 2 रुपए मिलते हैं, तो यहाँ टोटल 5 रुपए बनते हैं। बट उसने एक्चुअल में अपने को क्या कहा है कि ये 5 नहीं है, ये है आपके 10,000 रुपीज। यहां से 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2,000 रुपीज, आपको निकालनी है 3 की, 1 की वैल्यू 2 तो 3 की 6,000 और 2 की वैल्यू 4K। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि मूलधन अपने पास प्रिंसिपल है वो 15,000, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज है वो 3,000 रुपए, टाइम 4 वर्ष का, रेट निकालनी है। तो देखो रेट कैसे निकालते हैं, SI अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो देखो क्या हो रहा है। रेशियो देखा यहां पर आपका 3K का मतलब 1000, यानी से 15K, इससे कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया आपका 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं आप कि 20% इंक्रीज हुआ है 4 साल में, रेट पर ईयर निकलती है आपकी, तो 4 से डिवीजन कर सकते हैं इसको, तो आपकी रेट आ गई 5%। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर एप्रिसिएशन विल हेल्प अस टू मेक मोर वीडियोस। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जैसे पिछला वीडियो था उसकी तरह वायरल भी कर सकते हैं। थैंक यू।